लॉकडाउन में भी फिल्म की शूटिंग कराने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आए पूर्व सांसद। लॉकडाउन में अपने आवास पर फिल्म के शूटिंग मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूर्व सांसद सब भाजपा नेता सामने आए हैं। मालूम हो कि पिपरा सीओ के लिखित शिकायत पर लॉकडाउन में अपने निजी आवास पर फिल्म की शूटिंग करवाने मामले में कल पूर्व सांसद विश्व मोहन कुमार सहित 60 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। पूर्व सांसद ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि साजिश के तहत उन पर मामला दर्ज करवाया गया है। ये विरोधियों की सोची समझी साजिश है। उनके घर पर कभी पहले ना तो शूटिंग हुआ और ना ही उस दिन शूटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये सच है कि वे लोग मेरे घर आकर ठहरे हुए थे। चूंकि लॉकडाउन से पूर्व रतौली गाँव के कलाकारों द्वारा शूटिंग किया गया और लॉकडाउन होने के बाद सारे सेटअप को बंद कर दिया गया। शूटिंग के संचालक रतौली गांव के ही हैं और उनको जगह का अभाव था। इस कारण लॉकडाउन के बाद उन्होंने सारे सेटअप को मेरे कैंपस में रखने की पेशकश की। उन लोगों ने वापस बंबई जाने के लिए डीएमएसपी से भी गुहार लगाया था, लेकिन कहीं से वापस जाने की स्वीकृति उन लोगों को नहीं मिली। ऐसे में जनप्रतिनिधि होने के नाते स्थानीय लोगों ने भी कैंपस में रहने देने का दबाव दिया था। परिस्थिति की नाजाकत को देखते हुए मैंने उन लोगों को अपने कैंपस में सेटअप के साथ से पनाह दिया था। जिस दिन सीओ और थाना अध्यक्ष दोनों मेरे घर आए, उस दिन वे लोग सारा सेटअप लेकर मेरे घर आए ही थे। सामान रखने के लिए उतार ही रहे थे, कोई शूटिंग नहीं चल रही थी। इसके अलावा ठहरे हुए लोगों को कैंपस में आते ही सैनिटाइज करा दिया गया। सोशल डिस्टेंस का भी पालन करवाया जा रहा था। ऐसे में किस आधार पर शूटिंग करवाने का आरोप लगाया गया, ये मेरे समझ से पड़े हैं। ये सिर्फ विरोधियों की साजिश है। जांच के बाद सारा तथ्य सामने आ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उस दिन सीओ ने मुझे बताया भी नहीं हुआ, जबकि एफआईआर में सीओ ने मेरे सहमति का जिक्र किया है, जो सरासर गलत है। ये मुझे भी आज पत्राचार से इससे टीवी से पता चला कि कुछ मेरे बारे में ऐसी खबर चल रही है कि मेरे यहाँ शूटिंग चल रहा था, लेकिन ऐसी बात हकीकत नहीं है। ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण या किसी से बात से प्रेरित होकर के लोगों ने ऐसा कुछ कराया है। रतौली गांव में बहुत दिन से चंडी जग और ये भागवत कथा हो रही थी, जिसमें कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा दिया गया था। बहुत दिन तक चला था, मैं भी उसमें शरीक हुआ था। उसके बाद मुझे जानकारी नहीं थी। संभवतः शायद शूटिंग का भी उनका कोई भोजपुरी फिल्म का आयोजन था, तो बाद में पता चला कि वो कलाकार लोग आए हुए हैं। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो उससे परिवार से मेरा कुछ पारिवारिक रिश्ता बहुत पहले से है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चाचा जी, मेरे यहाँ तो उतनी मतलब जगह नहीं है, हम लोगों को स्कूल में रखना पड़ता है, कलाकार बहुत है, सामान ही बहुत कीमती कीमती है, इसलिए कुछ जगह अगर आप दे देते, अपने यहाँ आपका जगह बहुत बड़ा है, कैंपस बड़ा है, तो वो अच्छा होता, क्योंकि बॉम्बे अब तो जाना मुश्किल है। जबकि डीएम और एसपी को भी उन्होंने आगाह किया था कि भाई कोई व्यवस्था कर दीजिए कि हम जाएंगे बॉम्बे, लौट के कोई रहना नहीं चाहता है। उसी के तहत उनको हमने कहा कि ठीक है, सैनिटाइज करके पूरा साफ सुथरा करके अपना हॉल में गोडाउन में अपना सामान रखने के लिए अलॉट किया कि ठीक है, आप आइए, अपना रहिए, अपने घर वाली बात, विधानसभा क्षेत्र की बात है। तो उसी के तहत उन्होंने अपना सामान लाया, दो ट्रक सामान लाया, कलाकार लोग कुछ जो उनके थे सहयोगी वो लोग भी आए और वहाँ पर रह रहे थे, वहाँ पर सामान उतार रहे थे वहाँ पर। उसी क्रम में गांव वाले लोग भी उत्सुकतावश देखने आ गया कि भाई क्या है क्या है क्या है, तो वो लोग भीड़ लग गई। मुझे पता नहीं था, बाद में देखे कि अफसर इंचार्ज और सीओ आया यहाँ पर, अपना देख के चला गया। सीओ से मुझे बातचीत भी नहीं है, और सीओ ने कहा कि मैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरी सहमति हुई, अगर ऐसी बात होगी तो मैं अपनी राजनीति लाइफ छोड़ दूंगा। अगर सीओ इस तरह की बात करती है, गलत बात बोला है, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। इसी के तहत ऐसा हुआ है और कोई शूटिंग वूटिंग की बात नहीं चल रही थी। वो लोग रह रहे हैं उस स्थिति में, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो बेचारे वो लोग रह रहे हैं, हाई स्कूल में रह रहे हैं, जो कि बहुत ही असुरक्षित है। उसके लिए उन्होंने सुरक्षा भी जो इसके करता धरता है, आयोजन करता है, उनको मांगा भी है सुरक्षा दीजिए या उनको भिजवाने की व्यवस्था कीजिए, लेकिन प्रशासन नहीं कुछ कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे उनको। लेकिन दूरियां की बात जहां तक है, दूरी रखी जाती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात को हम लोग स्वतः पालन करते हैं, हम लोग भी उसी में हैं और चाहते हैं कि हमेशा लोग सुरक्षित रहे,
संयोग बस उस दिन हमारे बगल के मुखिया लक्ष्मीकांत भारती भी थे, हमारे वीरेंद्र मुखिया भी थे, और इसी बातों पर बात हो रही थी कि भाई कैसे कैसे हम लोग आयोजन करें, मतलब कहाँ पर जो समस्या आती है कोरोना लेकर के, तो हम लोग किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करें, तो उसी बातचीत हो रही है। वो लोग भी गवाह है इसके, जो वहाँ पर कहीं कुछ नहीं हो रही थी शूटिंग, कहीं कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर झूठ मूठ का हमको साजिश के तहत बताने के लिए पुलिस पर दबाव दे करके हमारे ऊपर FIR करवाया गया है। सत्यता तो बाद में आ ही जाएगी।